जीआरपी पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतरने या चढ़ाने से पूर्व टेम्पो में बैठाकर उनका सामान लूट चोरी की घटना आए दिन प्रकाश में आ रही थी, जिसको देखते हुए दिनांक 16 फरवरी को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने गेट नंबर 7 के पास पार्सल दीवार की बगल में टेम्पो में बैठे गिरोह को चोरी व लूट के सामान के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा 24 जनवरी को कुशीनगर की रहने वाली महिला निशा पत्नी रितेश भैरवा को भोपाल से गोरखपुर आने के उपरांत टेम्पो में बैठाकर उसके बैग में रखा ज्वेलरी व नगदी चोरी कर लेना, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 14 दिसंबर को बलिया की रहने वाले राम प्रताप पुत्र कपिल देव को ट्रेन से उतरते समय उनका बैग का चैन काटकर उसमें रखा ज्वेलरी और नगदी चोरी कर लेना, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान खालिद पुत्र समी निवासी ग्राम जाखिर नगर ओखला गली नंबर 6 मकान नंबर 821 थाना जामिया नगर उत्तर दिल्ली। दूसरा साजिद पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर कुरैशी थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर। तीसरा मुस्तकीम पुत्र बिंदु निवासी गौसपुर सादात थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर। चौथा शिव कुमार पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम बेदार वक्तपुर जादू उर्फ रायपुर चुंडौली थाना नगीना देहात बिजनौर। पांचवा सोनू शर्मा पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा निवासी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी के जेवरात व नगदी व चोरी करने का यंत्र बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, अपराध निरीक्षक विनोद कुमार राय, उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार, संजय यादव, हेड कांस्टेबल पवनेश पांडे, कमल सिंह, राम सिंह, श्रीकांत यादव, सूबेदार विश्वकर्मा, सूर्य प्रकाश चौधरी सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, विगत कुछ दिनों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि रेल यात्री जो आते हैं और उनको टेम्पो बैठाने के बाद बाहर जा करके उनके साथ उनके बैग में से सामान चोरी हो जा रहा है। इस सूचना पर यहाँ क्षेत्राधिकारी जो जीआरपी हैं श्री विनोद कुमार जी, उनके नेतृत्व में हमारी टीमें लगी थी जीआरपी की और सर्विलांस की। आज 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें उनके पास से 29/24 और 46/23 चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। उनके पास से लगभग 5 लाख रुपए का जेवरात नकदी और जो यंत्र जिससे वो बैग को खोलते थे वो बरामद किया गया है। और ये सातिर किस्म का गिरोह है, इसमें खालिद, साजिद, मुस्तकीम और शिव कुमार ये 4 लोग बिजनौर और दिल्ली के रहने वाले हैं। सोनू शर्मा यहाँ का टेम्पो चालक है और इस तरह से जा करके स्टेशन पर किसी टेम्पो वाले से बातचीत करते थे और फिर 2 आदमी इनके उस टेम्पो में पहले से बैठे रहते थे, बाद में 2 आदमी इनके जा करके टेम्पो में बाहर बैठ जाते थे और जो किराया तय होता था अन्य टेम्पो वाले जितना किराया मांगते थे उससे 25% कम करके ये मांगते थे, तो ऑलरेडी वो आदमी प्रभावित होता था, उनके टेम्पो में बैठ जाता था और उसके साथ इस तरह की ये घटना कारित करते थे। और ये काफ़ी सातिर किस्म का गिरोह है, इसके पहले बिजनौर और वाराणसी से भी चोरी और लूट के घटनाओं में जेल भेजा जा चुका है। क्या क्या घटनाएं इन्होंने और किया उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास क्या है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। मैं अपने टीम को भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ और आगे भी इनको नगद इनाम से प्रोत्साहित करने के लिए नगद इनाम दिया जाएगा। अभी तक जो इन्होंने घटना किया गोरखपुर में उसकी जानकारी हो पाई है, आगे भी जानकारी की जा रही है और जानकारी होने के बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। नहीं नहीं, यात्री जहाँ चलते थे वहाँ से नहीं, इनका अपना अनुभव है उस हिसाब से ये अपना सर्विलांस करते थे कि कौन सा यात्री कैसा है और इस तरह से ये घटनाएं करते। छोटी मोटी घटना कर लिया तो कोई शिकायत ही नहीं करता है, अब जब बड़ी घटना करते हैं तब वो यात्री आकर के पुलिस के पास शिकायत करता है। तो इस तरह से ना ना ना, इस ट्रेन के अंदर नहीं जाते हैं, ट्रेन के बाहर ही टेम्पो चालक को ये पहले से प्रभावित करके रखते हैं और 2 आदमी इनके मैंने पहले ही बताया कि टेम्पो में ऑलरेडी बैठे रहते हैं, 2 आदमी बाद में बैठ जाते हैं जा करके किसी चौराहे पर और आगे जा करके उसके साथ ये घटना कारित करते हैं।